मेरा नाम हेमंत कुमार महतो हुआ, हम रांची से हैं। हम लोग आज यहाँ जो हुड़का जागरण का जो कार्यक्रम रखा गया है हमारे समाज के द्वारा, विगत 72 वर्षों से हमारे समाज को छला जा रहा है, क्योंकि 6 दिसंबर 1950 से पहले हम लोग का समाज ST सूची के लिस्ट में शामिल था। उसके बाद आज 72 साल हो गया, हम लोग का समाज को आज तक से ST सूची में शामिल नहीं किया गया है। हम लोग विगत 72 सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे समाज के हर लोग, जितने भी विधायक सांसद बनते गए हैं, सब कोई आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमारे समाज का जो भूलवश किसी कारणवश जो ST लिस्ट से जो नाम छुटी है उसको ऐड किया जाए। लेकिन नेहरू सरकार के द्वारा बोला गया था कि भूलवश किसी कारणवश अगर नाम छूट गई है तो उसको हम लोग वापस जोड़ेंगे। लेकिन आज 72 साल हो गया, अगर किसी को इस प्रकार अगर छोड़ दिया जाए 72 वर्षों से, तो उस समाज का या उस व्यक्ति का क्या उत्थान हो सकता है, आप समझ सकते हैं। एकदम आज हम लोग शून्य लेवल पर नीचे चले गए हैं। आज हमारा जल जंगल जमीन सारा कोई को लूट लिया जा रहा है, टाटा अडानी बिरला कंपनियों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा आज हमारा जमीन को अधिग्रहण करने के लिए ये साजिश के तहत हम लोग को ST लिस्ट से हटा दिया गया और OBC में हम लोग को शामिल कर दिया गया, ताकि हमारा जमीन अच्छी तरह से हस्तांतरण किया जाए और हमको जमीन से बेदखल किया जाए। हमारे जल जमीन में बहुत सारे डैम बने, बहुत सारे फैक्ट्रियां बनी और हम लोग विस्थापित होते गए। आज हमारा जमीन आज कम हो चुकी है और हम लोग ऐसे स्थिति पहुंच चुके हैं कि हम लोग रोजी रोजगार अपना नहीं कर सकते हैं। कृषि के द्वारा भी ऐसी स्थिति हो गई है, जिस कारण हम लोग विवश होके हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारा समाज को जो खोया हुआ जो अधिकार है उसको हम लोग वापस लेने के लिए आज हुड़का जाम। हुड़का जाम मतलब हुड़का होता है पूरी तरह से लॉक कर देना, मतलब आज हम लोग हुड़का जाम बोला जो गया है स्पेशल इसका डिफाइन किया जाए, तो हम लोग सांसद भवन को जो गेट है उसका लॉक कर देंगे ताकि कोई भी सांसद अंदर जा ना सके। उस प्रकार का हम लोगों ने दिल्ली से क्या हम लोग को षड्यंत्र के तहत हम लोग को झारखंड बॉर्डर से ही रोकना शुरू कर दिया, बिहार बॉर्डर आए वहाँ पे भी रोका गया। तरह तरह के प्रॉब्लम, फिटनेस दिखाइए, पोल्यूशन दिखाइए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, परमिट है कि नहीं, इस प्रकार से हम लोग को टाइम हम लोग को मतलब क्या बोले फेल करने के लिए हम लोग को यहाँ सही टाइम पे नहीं पहुँचे, इसलिए हम लोग को ये सब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कराता गया। देखिए कारण यही है कि जो हमारी आवाज़ है, हमारी जो मांग है उसको दबाने के प्रयास कर रही कहीं ना कहीं सरकार। देखिए कहीं ना कहीं हमको प्रशासन के माध्यम से जो बार बार ब्रैकेटिंग के माध्यम से, अभी आप देखे होंगे अगर पीछे में हम साथ में गए होंगे तो, कि बार बार हम लोग को ब्रैकेटिंग के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। जैसे कि हमारे बाबे पूर्व में बता ही दिए कि हम लोग जब झारखंड से रवाना हुए तो कोई बस के माध्यम से आया, ट्रेन के माध्यम से आया, पहले तो हम लोग सीट मना कर दिया, मैंने पूरा सीट कर बोले बुक हो गया, हम लोग ट्रेन बुक करने के बाद भी था हम लोग का, हम लोग को ट्रेन भी नहीं दिया गया किसी माध्यम से। मैंने पहले बोल दिया 2 महीने पहले कि हम आपको ट्रेन मुहैया कराएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आ गया लास्ट टाइम में बोलता कि यहाँ ट्रेन अवेलेबल नहीं है, आपको ट्रेन नहीं दे सकते, फिर हम लोग को बस करना पड़ा आनन-फानन में। तो जिसमें देखिए हम लोग आबादी जो है, हम लोग की संख्या जो और जब भी देख रहे हैं आप यहाँ जनसंख्या, इससे और ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित होते, लेकिन हम लोग को देखिए प्रशासन की बिल्कुल एकदम सही कहना है आपका कि दोनों का, देखिए हमारे राज्य सरकार की भी मैंने दोषी है और जो केंद्र की सरकार है, दोनों के माध्यम से हम लोग को रोका जाने का प्रयास पूरी तरह से कर रहा था। देखिए वही हम पहले भी बताते हैं, हमारी आवाज़ जो है, हमारे सम्मान, आज देखिए कि युवा वर्ग आप देख रहे होंगे कि इसमें जो उपस्थिति है ज़्यादातर इसमें युवा है, मैंने युवा जाग चुका है, जैसे कि बता दिए 72 वर्षों से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे सम्मान का हम लोग अधिकार के लड़ रहे हैं जो हमको कहीं ना कहीं आज नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए कि आज युवा है, सब कोई अपना लड़ने के लिए तैयार, बेरोजगार है, हम लोग देखिए आज पढ़ लिख के भी बेरोजगार, देखिए हम लोग का आज यहाँ पे आना पड़ रहा है। हम लोग आप सोचिए कि जितना यहाँ पे उपस्थित हैं 99% आदमी कृषि पर आश्रित हैं और हम लोगों का खेत में भी धान लगा हुआ है, हमारे यहाँ बारिश की संभावना है, हमारा खेत फसल मैंने लास्ट मैंने होने के कगार में कि हम उसको काटने के बजाय हम यहाँ का धरना दे रहे हैं, तो देखिए हमारे साथ कितना मैंने छल कपट किया जा रहा है हर तरीके से। लेकिन आगे हमारी मांग अगर सही जायज है, आप भी जान रहे हैं, मैंने अगर मेरी मांग अगर सही है तो आज देखिए हमको अपना खेत में लगा हुआ फसल को छोड़ कर आना पड़ रहा है, अभी धान कटने का समय है, हम अपना फसल को छोड़ कर आए हैं वहाँ पर, अरेस्ट करने हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं तो जी के क्या करेंगे यहाँ पर, हम अपने आप में आत्मदाह करने के तैयार हैं, हम समाज के प्रति मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक पीढ़ी मेरी मर चुकी है, मैंने 72 वर्षों में तक एक पीढ़ी मेरा खत्म हो चुका है ऑलरेडी, 2 पीढ़ी हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे जी के। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग की जो मांग है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करें, अन्यथा हम लोग जो युवा वर्ग हैं हम लोग हुड़का जाम के माध्यम से, जैसे हम लोग कहा जाता है हुड़का मतलब आप पूछे थे पहले, हुड़का मतलब देखिए हम लोग का गाँव घर में एक जैसे कि जिसको जानवर को रखा जाता है जिसको हम लोग गुहाल बोलते हैं, उसमें देखिए एक हुड़कुर रहता है, मैंने उसको बंद करते दरवाजा ताकि ना निकले जानवर मेरा घर से, उसको लकड़ी के रहता है, उसी को हम लोग हुड़का जो हम लोग का मैंने अपना ठेठ देहाती मैंने भाषा में उसको हुड़कुर कहते हैं, उसी को हम लोग हुड़का के नाम से यहाँ आज हम लोग उपस्थित हुए हुड़का जाम के नाम से।
कि हम लोग अपना अधिकार अपना सम्मान की लड़ाई के लिए आए हैं। हमारा तो समाज को जो है 72 वर्षों से ठगा जा रहा है। हम लोग बार बार इसके लिए लड़ाई करते आ रहे हैं और जब से हम लोग देखिए हमारा उम्र तो 28 साल लगभग हो गया, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे हमारे जो गार्जियन थे वो भी इस लड़ाई के लिए लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारा कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक का कहीं शिकार हुए हैं। चाहे हमको दोनों माने केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा हमको ठगने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों का जो शोषण किया जा रहा है, हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के हमको ठगने का प्रयास कर रही है। हम लोग का जो मांग है सब माने संविधान कहता है, सब पेपर हमारे पास दस्तावेज है, लेकिन भी आज हमारा मांग को पूरा नहीं कर दिया जा रहा है। मेरा मांग यही है कि कुर्मी एक जनजाति है, जैसे कि 1931 में इसको पहले प्रिमिटिव टाइप कहते थे, आदिम जनजाति के रूप में रखा जाता है, लेकिन 1931 में उसका एक सर्टिफिकेट तैयार हुआ जिसमें हमने वहाँ तीन श्रेणी में बांटा गया, आदिम जनजाति सॉरी अति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति भी बिल्कुल हमारा हम एसटी है ये हैं, हम एसटी है ये हैं, हमारा कल्चर है, हमारा अपना भाषा है, जो उसके नेगाचार जो हमारा सिस्टम है, मैंने एक जनजाति में जो गौर होना चाहिए वो सब में हमें है। हम फायदा का बात नहीं है, हमारा वो सम्मान का लड़ाई है। हमारा बाप आदिवासी था, मेरा दादाजी आदिवासी है, तो हम ओबीसी कैसे हो गए? यही हम प्रमाण मांगना चाहता सरकार से, मेरा मेरा पूर्वज मेरा पुरखा सब आदिवासी था, हम कैसे जनरल मांग इसको परमिशन कैसे भैया? हमारा सम्मान का लड़ाई है ना ये। हाँ, अगर आरक्षण का बात नहीं, देखिए हमारा सम्मान का बात है। अगर हम आज हमको प्रमोशन कहे से क्या फायदा होता है? आज देखिए आप अगर हमारा देखिए हटाने के पीछे एक रीजन है, झारखंड में कुर्मी बहुल क्षेत्र है, 3.25 करोड़ का आबादी में 85 लाख से अब हमारी जनसंख्या है, ज्यादा हमारा जमीन है, हमारा जमीन को देखिए छूनने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, आज देखिए जितना भी वहाँ पे अब बड़ा बड़ा फैक्ट्री जाइए या डैम जाइए, हमारा ही जमीन पे बसा हुआ है। जनरल मने जो बड़े हैं हमसे ऊंच श्रेणी के लोग हैं, बनिया हो गए मने जो भी हमसे ऊंचे श्रेणी के, देखिये वो हमको आज भी आदिवासी बोलते हैं, कोल बोलते हैं हमको, लेकिन हमारा जब सम्मान का बात था तो वहाँ सब शांत हो जाते हैं। बिल्कुल हमारे सम्मान की लड़ाई नहीं सुनेगी तो हम लोग सुनाने के लिए भी तत्पर हैं। आज हम लोग देखिए हुड़का जाम के माध्यम से अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम लोग अपना जान भी देने के लिए तैयार है अपना समाज के प्रति। हम तो बताया आपको 72 वर्ष मैंने 2 पीढ़ी हमारा इसका लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज हमको देखिए सरकार अनदेखी कर रही है, उम्मीद जगे रही है, यही उम्मीद और आशा के साथ हम लोग आज आए हुए हैं कि हमारी तक आवाज उनके कानों तक जाए और हमारी मांग को जितना जल्द हो सके पूरा करने का प्रयास करें। अड़क नहीं पड़ेगी तो हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए उनका देखिए माध्यम सत्ता में फिर देखिए 24 में है चुनाव, लोकसभा विधानसभा फिर होगा, हम उस माध्यम से उनको वोट ना करके उनका बहिष्कार करके हम उसको मैंने अपना दुख को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। क्यों देंगे जब हमारी बात मांगती नहीं, मेरी बात सुनती नहीं है, हिंदी मुस्लिम की बात है ये नहीं है, हम लोग हमारी अपनी संवैधानिक लड़ाई की बात है। तो हम देखिए हमारे पास एक ही मैंने शक्ति है, लोकतंत्र का जो पावर जो हम लोग देखिए एक मैंने हर व्यक्ति में एक अधिकार होता है मतदान का, हम मत के अधिकार मत का जो प्रयोग करके उसको हम अपना जवाब दे सकते, अपना मत का प्रयोग करके बिल्कुल देंगे। देखिए हम आपको पहले भी बोल दिया, फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, नौकरी और बेरोजगारी की बात नहीं है, हमारा सम्मान का बात है, हम जो थे हमको बस वही चाहिए। कहने की देखिए हर तरह की बात होती है और बोलने वाले बोलते रहते हैं, जातियां कभी खत्म नहीं हो सकती, देखिए हमारे उसी से पहचान है, हम अपना पहचान को कभी मिटने नहीं देंगे। हम कैसे खत्म करेंगे, हमारे पास क्या है ना, हम कहीं लोकतंत्र में बैठे हुए हैं ना, पार्लियामेंट में है ना, तो हम आपका न्यायालय में, हमारे चाहने ना चाहने से देखिए इसमें कोई हो ही नहीं, संभव नहीं है, गौर का मत है, लेकिन हम क्या बोले कि अगर हमारी बात नहीं सुनती है सरकार तो हम अपना मत का प्रयोग करके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। भेदभाव हो ही रहा है, जाति का बात है कि हम खत्म करने वाले होते कौन है, देखिए हम देखिए हम अपना देखिए हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमारा जो अधिकार है हमको वो चाहिए, हम लड़ के लेंगे, झगड़ के लेंगे, चाहे जिस तरीके से भी लेंगे, लेकिन लेना है तो लेना, हमारा एक ही हम लोग का मकसद है। सरकार कैसे खुश रहेंगे, अगर सरकार से खुश रहे तो आज हम चलिए कि उतना दूर से आए हुए झारखंड से आए हुए हैं, आज हमारा देखिए खेती का सीजन है, हमारा फसल खेत में लहलहा रहा है, कभी धान कटने का समय है, हमारा मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा, हम 99% यहाँ खेती पर आश्रित है, हम उसी पर आश्रित है, उसी पर जीवन अपना अपना करते हैं। आज देखिए हम अपना मैंने फसल छोड़ के आए हैं आंदोलन करने के लिए, तो देखिए हमको कहीं ना कहीं हमसे उससे बड़ा चीज है। नहीं देखिए और काम की बात नहीं करो, हमारी जो मांग है अगर वो मांग नहीं पूरे करता हम कैसे मैंने अच्छा काम कर रही है।